भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पलामू जिला कोषाध्यक्ष की निर्मम हत्या। सुमित श्रीवास्तव के कनपटी के नीचे धारदार नुकेले हथियार से गोद कर हत्या। घटना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हत्याकांड के विरोध में आज हरिहरगंज बाजार बंद। 12 घंटे में कांड का उद्भेदन करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पलामू जिला कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई है। सुमित की कनपटी के नीचे तेज धारदार नुकीला हथियार से गोद कर हत्या की गई है। शव NH 98 मोदिनी नगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप पहाड़ी मंदिर जाने वाले मोड़ पर उनकी कार से बरामद किया गया है। घटना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि इस हत्याकांड के विरोध में आज हरिहरगंज बाजार बंद रखा जाएगा। बाजार व्यवसाय से निवेदन है, बाजार क्यों बंद रखे और पूर्ण काम बाजार बंद करवाने की कोशिश में है। प्रशासन से हमारी मांग है, जिस निर्ममता से हत्या की गई है, 12 घंटा के अंदर उन हत्यारों को तुरंत अविलंब पकड़ने की कोशिश की जाए और गिरफ्तारी की जाए और जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन पर बंदी करेंगे। इसके लिए हम बाध्य हैं, इसकी पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेवार होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।